जैविक सब्जियों को बढ़ावा देने और किसानों को उनके उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल आज टंकी चौराहे पर स्थित साप्ताहिक जैविक हाट बाजार में पहुंचे और वहां सब्जी बेचकर फायदे बताए। शुरुआती दौर में जहां जैविक हाट बाजार में 2 दर्जन दुकानें लगती थी, वहीं इसका आंकड़ा घटकर पिछले रविवार को 1 ही रह गया था। आज 3 किसानों ने जैविक सब्जियों की दुकानें लगाई और कलेक्टर ने वहां सब्जियां बेची। सुजालपुर से ब्रज राठौर की रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो हमारे न केवल शाजापुर आसपास के लोग के भी कई किसान होते हैं जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और प्राकृतिक चीज़ों से कैसे हमारी क्रॉप बेटर हो सकती है उसके बारे में देखा और उसका प्रोपेगेंडा हम चाहते हैं और हो ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसका फायदा हो। आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे एक मंडी रोड कैंपस एरिया है, यहाँ पे प्राकृतिक जो जैविक खेती से जो चीज़ें बनी हैं प्रोडक्ट है उसका यहाँ पे डिस्प्ले हो। शाहजहाँपुर के लिए बड़े गौरव की बात है यहाँ के नागरिकों के लिए कि ये लोग दूर दूर से आए। एक सज्जन को अनिल सोनी जी हमारे देवास से भी आए, हमारे बाबूजी जो है इनका शाहजहाँपुर में एक काफ़ी बड़ा एरिया है और अगेंस्ट काफ़ी और ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये लोग प्रमोट कर रहे हैं कि शाहजहाँपुर के लोग प्राकृतिक जैविक प्रोडक्ट यूज़ करें ताकि उनका जीवन भी लंबा हो, स्वस्थ हो और ज़्यादा उनकी सार्थकता भी हो जीवन में, क्योंकि आदमी जब तक स्वस्थ होता है तब तक वो सोसाइटी के ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट संडे ही यहाँ पर एक वर्कशॉप रखेंगे, काफ़ी जो ऐसे संबंधित लोगों को बुलाएंगे ताकि इनका भी प्रमोशन हो और इसकी वजह से इस प्रकार की खेती का प्रमोशन हो ताकि हम सब लोग, हर कोई चाहता है, जैसे आप भी चाहेंगे कि मुझे सब प्राकृतिक जैविक चीज़ मिल जाए क्योंकि वो मेरे लिए शरीर के लिए अच्छा होता है। तो अच्छी चीज़ें आज कई चीज़ें प्रोडक्ट जैसे मैंने पहली बार भी सुना, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एक प्रोडक्ट को ऐसा था जिसमें आपको मंजन की आवश्यकता नहीं है, मुँह में डाला, उन्होंने किया और वो आपका एक मंजन के रूप में काम कर जाता है। तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आई एम श्योर हमारे शाहजहाँपुर के लोग उसको प्रमोट करेंगे और चीज़ों को खरीदेंगे। ये बड़े बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से काम करते हैं और इसका फ़ायदा यहाँ के लोगों ने ऐसा हम चाहेंगे और हम एक नया नारा दे रहे हैं, हमारा शाहजहाँपुर जैविक शाहजहाँपुर, ताकि स्वस्थ अगर चली रहे हमारा तो हम लोग यदि जैविक खाएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। तो स्वच्छता, स्वस्थता, जैविक इंटरकनेक्टेड चीज़ें होंगे लोगों के बढ़कर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।